की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन की जिसका नाम है फैनलाइन 11। दोस्तों बिल्कुल ही न्यू एप्लीकेशन है, हो सकता है आपने इसका नाम भी नहीं सुना हो, और बट एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, जेन्युइन है, सेफ है। इसमें आपको GST नहीं लगता है, TDS नहीं लगता है और न्यू एप्लीकेशन है। तो चलो बात करते हैं कैसे हम लोग इसमें खेलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और अर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो आप वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाना, और लिंक पे आप आओगे तो यहाँ पे जाके आप सर्च करना और सर्च में लिखना फैनलाइन 11, आपके पास ये वाली लिंक आ जाएगी। इस ये वाली लिंक आएगी दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको रेफर कोड कॉपी करना है। रेफर कोड ये वाला रहा, थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छे से इसको कॉपी कर लेना। देन रेफर कोड कॉपी करने के बाद अब आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके ब्राउजर से जाके वो एप्लीकेशन में खुलेगी। देन आपके पास कुछ ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा, देन सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मैं पहले से एप्लीकेशन में इंस्टॉल हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता हूँ और मैं इसको लॉगआउट करता हूँ। लॉगआउट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे खेलेंगे कैसे। सो आपके पास कुछ ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा, रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे रेफर कोड का सेक्शन दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो इसके नेक्स्ट वाले पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और एग्री पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। सो नंबर पे OTP आएगी तो अच्छा, जो आपके पास नंबर होगा वही डालना। देन ईमेल एड्रेस हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ सही, पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए और पासवर्ड। देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, नंबर पे OTP आएगी, OTP डाल दोगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। देन नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसके बाद उसमें आपको रेफर कोड डालना होगा, रेफर कोड डाल देना और आपका टीम नेम लिखना होगा, टीम नेम लिख देना। देन आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अगर आप कभी लॉगआउट होते हो तो सिंपली अपना नंबर डालना, वेरीफाई पे क्लिक करना, गेट OTP पे क्लिक करना, आपके नंबर पे OTP आएगी। सो OTP आएगी, OTP आप डाल देना और आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन में, जब आप आ जाओगे तो आपको अकाउंट पे आना है एंड यहाँ से आपको लेवल 1 है, पहले आप जैसे आप इसमें खेलोगे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। देन मोड पे क्लिक करना और मोड कर देते हैं इसको। देन यहाँ पे आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना अच्छे से। देन वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रूफ डालना, जिसमें आपको आपका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज डालना है। देन आपका नाम और आधार नंबर सबमिट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना, आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स डाल देना, जिससे आपको विड्रॉवल मिलने में आसानी होगी। डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है वॉलेट सेक्शन पे, और उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है प्रोफाइल पे। देन यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो एंड बिलिंग अमाउंट को आप यहीं से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप डिपॉजिट एंड विड्रॉवल यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर लोगे चाहोगे तो, अगर आपका पैसा होगा तो आप यहाँ से भी डिपॉजिट और विड्रॉवल कर सकते हो। देन बात करते हैं हम लोग इसमें खेलेंगे कैसे। तो खेलने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, पहला तो सपोर्ट का ऑप्शन है, कभी भी कोई दिक्कत होगा तो कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम खेलेंगे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप अच्छे से अपना पॉइंट सिस्टम देख लेना। ये सारी पॉइंट सिस्टम है, आप जो भी खेलते हो T20 ODI टेस्ट उसके हिसाब से पॉइंट सिस्टम देख लेना। देन मैच पे क्लिक करना, मान लो आपको ये मैच खेलना तो आप इस मैच पे क्लिक करोगे, क्रिएटर टीम पे जाओगे, 1 से लेकर 2 विकेट कीपर चूज कर सकते हो, 1 से लेकर 8 बैटर, 1 से लेकर 8 ऑलराउंडर और 1 से लेकर 8 बॉलर। कैप्टन को 2 गुना, वाइस कैप्टन को 1.5 गुना, सिंपली सेव टीम और आपका टीम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें अब जो भी आपको लीग ज्वाइन करना है कर सकते हो। दोस्तों देखो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम लोग इसमें खेल रहे हैं। सो छोटा अमाउंट फिलहाल डिपॉजिट करो, 2-3 विड्रॉवल लो, विड्रॉवल जब तक आपको अच्छे से ट्रस्ट नहीं हो जाए तब तक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना और इसमें खेलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।